तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैंग होस्ट के साथ ब्लैक शीट वॉल की तरफ बढ़ रहा था। इधर प्रिंसेस फैंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। जनरल भी प्रिंसेस को मुस्कुराता हुआ नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि प्रिंसेस फैंग की जीतने की वजह से काफी खुश है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होस्ट फैंग को अपने साथ ब्लैक शीट वॉल के पास ले जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि फैंग ब्लैक शीट वॉल को देखकर काफी खुश होता है और वो उसे पकड़ लेता है। फैंग बोलता है कि ये तो पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ है। फैंग को इस तरह ब्लैक शीट वॉल को पकड़ा हुआ देख बाकी सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। सभी लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये लड़का बाकी सभी से अलग है। इधर हम फैंग के हाथ में ब्रेसलेट को देखते हैं जो कि चमक रहा था। इधर प्रिंसेस भी फैंग को जब उस ब्लैक शीट वॉल से इस तरह चिपका हुआ देखती है तो वो सोचती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी सभी लोग वहाँ चिल्लाने लगते हैं कि नाम लिखने की सेरेमनी शुरू की जाए, लेकिन इधर फैंग किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। फैंग उस ब्लैक शीट वॉल को खाने के बारे में सोच रहा था और तभी वो फिर से अपने ब्रेसलेट को देखता है। वो बोलता है कि अब तो तुम ब्लैक शीट वॉल से कनेक्टेड हो सकते हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग एक नई जगह पर पहुंच गया है। फैंग अपने आसपास देखता है और वो बोलता है क्या मैं ब्लैक शीट वॉल के अंदर आ गया हूँ। तभी फैंग वहाँ पर चलने की कोशिश करता है। वहाँ पर ग्रेविटी काफी कम होती है, इसीलिए वो धीरे धीरे और उछल उछल कर चलता है। तभी फैंग वहाँ पर एक बड़े से एनर्जी सोर्स को देखता है। उसे देखकर फैंग सोचता है कि शायद ये ब्लैक शीट वॉल की 3 बॉन्ड क्रॉस बॉन्डिंग है और उसके अंदर जो लाइट है वो शायद स्वान पिन का ऑरा है। इसके बाद फैंग फिर से अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ में ब्रेसलेट अभी काफी तेजी के साथ चमक रहा था। फैंग बोलता है कि अभी तक मेरा फर्स्ट टीथ बॉन्ड पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और बाकी दोनों के बारे में अभी मुझे कुछ भी पता नहीं। और तभी हम देखते हैं कि फैंग के हाथ से एक एनर्जी निकलने लगती है जो कि उस एनर्जी सोर्स के अंदर जाने लगती है। उस एनर्जी सोर्स की वजह से फैंग का बोन टीथ रिकवर कर रहा था। फैंग उसे देखता है और बोलता है कि लगता है इसमें कुछ टाइम लगने वाला है। बाहर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ होस्ट फैंग के पास आता है। फैंग उस ब्लैक शीट वॉल को देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी होस्ट उसे हिलाता है तो फैंग अपने होस्ट में आ जाता है। होस्ट फैंग को पेन और ब्रश देता है और कहता है कि अब आप और देर नहीं कर सकते। फैंग सोचता है कि अभी मुझे यहाँ पर कुछ और टाइम रुकना होगा, इसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा। तभी फैंग होस्ट से पूछता है कि मैं यहाँ पर कितने वर्ड लिख सकता हूँ। तो होस्ट बताता है कि इसके बारे में तो कोई रूल्स नहीं है। तो ये सुनकर फैंग काफी खुश होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत आसान होगा। इसके बाद फैंग उससे ब्रश लेता है और ब्लैक शीट वॉल पर लिखना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर वो क्या लिख रहा है। इधर टैन भी मिस जोई से कहता है कि मुझे दिख नहीं रहा, जरा मुझे बताओ कि वो क्या लिख रहा है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये तो इस पर पोयम लिख रहा है। तभी प्रिंसेस उसको पोयम लिखता हुआ देखती है। वो बोलती है कि ये काफी तेज लिख रहा है। इसके बाद प्रिंसेस उसकी लिखी हुई पोयम को पढ़ती है। प्रिंसेस को फैंग की पोयम काफी पसंद आने लगती है। फैंग ने अपनी पोयम में वॉरियर्स के बारे में लिखा था। प्रिंसेस फैंग के एक एक वर्ड को अच्छी तरह समझ रही थी। सी के साथ बाकी सभी लोग भी उस पोयम को देखते हैं और वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि फैंग की लिखी हुई पोयम सभी को काफी पसंद आती है। इधर टैन हाओ भी उसकी पोयम को पढ़ता है और उसको भी फैंग की पोयम सारी समझ में आ रही थी। फैंग की पोयम में मार्शल आर्ट की सारी हिडन टेक्निक्स और एंशिएंट वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन होती है। बाहर फैंग जैसे ही अपनी पोयम को कम्प्लीट करता है तो अंदर हम देखते हैं कि फैंग का टीथ बोन अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और तभी हम देखते हैं कि फैंग की पोयम भी पूरी हो चुकी है। होस्ट फैंग के पास आता है और उसे ब्रश वापस लेता है। तभी वहाँ खड़े सभी लोग फैंग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपकी पोयम बहुत ही अच्छी थी। सभी लोग बोलते हैं कि आप तो एक अच्छे वॉरियर होने के साथ एक अच्छे राइटर भी हैं। अब हर तरफ फैंग की पोयम की तारीफ ही हो रही थी। सभी लोग बात करते हैं कि ये पोयम काफी डीप है और इस पोयम में मार्शल आर्ट के कई सारे राज छुपे हुए हैं। तभी हमारा व्यू प्रिंसेस पर जाता है। लिली प्रिंसेस से बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि फैंग इतनी अच्छी कविता भी लिख सकता है। तभी हम चैंगसी को देखते हैं जो कि खड़ा होता है। चैंगसी बोलता है कि क्या तुम हमें इसे दिखाकर तालिस्मान चोरजाओ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। चैंगसी की बात सुनकर जो लोग फैंग की तारीफ कर रहे थे वो सभी रुक जाते हैं। तो इसके बाद वो लोग दोबारा से पोयम को देखते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें साफ साफ जाओ का नाम इन्वॉल्व है। चैंगसी बोलता है कि इस हिसाब से तुम हमारे डार्क क्वीन के दुश्मन हो। तभी कुछ लोग बात करते हैं कि जाओ पहले हमारे शहर का ही निवासी था लेकिन किसी वजह से एम्परर ने उसे कैद कर लिया। तभी उन लोगों के बीच से एक बोलता है कि ये लड़का जाओ की तारीफ कर रहा है और इसकी पोयम से ये साफ जाहिर है कि ये हमारे एम्परर का विरोध कर रहा है। ये एक विरोधी पोयम है जिसमें जाओ की तारीफ की गई है। अब यहाँ जो भी लोग फैंग की तारीफ कर रहे थे वो सभी फैंग को बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी फैंग चैंगसी को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें पूरी कहानी पता ही नहीं है। चैंगसी बोलता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे सिटी में खड़े होकर हमारे ही दुश्मन की तारीफ नहीं कर सकते। सच बताओ तुम्हारा यहाँ आने का असली इरादा क्या है। यहाँ मामला काफी खराब होता जा रहा था। तभी लिली प्रिंसेस से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। प्रिंसेस खड़ी होती हैं और
वो सभी लोगों से बोलती है। इस पोयम में हमें फाइव लाइट माउंटेन के बारे में बताया गया है जो कि हमारे साथ 500 सालों से वफादार है। इससे हमें भी वफादार रहने की सीख लेनी चाहिए, अपने राजा और धर्म की सेवा करनी चाहिए। और जहाँ तक जाओ की बात है, उसने भी अपने राजा के कर्तव्यों का पूरा पालन किया। तो आखिर ये कहानी आपको विरोधी कैसे लग सकती है? वहाँ खड़े सभी लोग प्रिंसेस की बात पर एग्री करते हैं। प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो ये मानती हूँ कि फेंग ने कुछ भी गलत नहीं लिखा और वो बिल्कुल इनोसेंट है। प्रिंसेस की बात सुनकर सभी लोग एग्री करते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि फेंग इनोसेंट है। सभी लोगों की बातों से चैंगसी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम टैंग हाओ को देखते हैं जो चैंगसी को देखकर बोलता है कि मू फैमिली का स्टेटस अब काफी खतरे में है, आज के बाद मू फैमिली का स्टेटस उतना ऊपर नहीं रहेगा। तभी टैंग हाओ के पास टैंग के फादर आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आप कॉन्ग्रेचुलेशन के तौर पर बिजनेस ऑफिस के लिए कोई गिफ्ट भेजना चाहेंगे? तो टैंग उसे पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। तो टैंग हाओ उससे कहता है कि अभी हमें सभी फैमिली के साथ अपने रिलेशन को सही रखना चाहिए, मैं अपने बिजनेस में किसी के भी साथ दुश्मनी करना नहीं चाहता। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस वापस से अपने सिटी में जा रही थी। रास्ते में फेंग उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस उसे इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ जाती है। प्रिंसेस फेंग के साथ इस तरह बिहेव करती है जैसे कि वो अभी भी उससे नाराज है। फेंग जनरल से कहता है कि प्रिंसेस अभी भी मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही है। तो जनरल फेंग से कहते हैं कि तुम घर जाकर प्रिंसेस से बात कर सकते हो, लेकिन तभी फेंग फिर से प्रिंसेस के सामने जाता है। फेंग प्रिंसेस को एक पेपर दिखाता है और कहता है कि मुझे अभी एक हाई एंड मैजिक वेपन चाहिए और अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं इसको फेंक दूंगा। फेंग की बात सुनकर प्रिंसेस मुड़ती है और कहती है क्या तुम पागल हो। फेंग प्रिंसेस के पास आता है और कहता है कि फाइनली अब तुम मुझसे बात कर रही हो। फेंग प्रिंसेस को बताता है कि मैंने इसे पूरे 3 दिन में बना पाया है, ये एक बेहद ही पावरफुल मैजिक वेपन होगा। लेकिन अभी भी प्रिंसेस फेंग को इस तरह दिखाती है जैसे कि वो इसे इग्नोर कर रही है। इससे फेंग काफी परेशान हो जाता है। तभी प्रिंसेस वहां से जाने लगती है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस मुस्कुरा रही है। तभी हम एक जगह पर भीड़ को देखते हैं। जब फेंग वहां जाकर देखता है तो वो देखता है कि भीड़ के बीचों बीच सी जमीन पर झुका हुआ है। सी के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि शायद सी का मास्टर है। उसको देखकर सभी लोग बात करते हैं कि ये काफी समय बाद लौट कर आई है। हम देखते हैं कि यहाँ सी अपने पनिशमेंट के तौर पर बार बार उनको ग्रीट कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर फेंग आता है जो उसे ऐसा करने से रोकता है। फेंग उससे कहता है कि मैं भी एक बार जीता और एक बार हारा और तुम भी एक बार जीते और एक बार हारे हो, इसीलिए अपने आप को हारा हुआ मत मानो। जैसे ही तुम्हारी इंजरी ठीक हो जाएगी हम लोग दोबारा से एक मुकाबला करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर हम दोनों में से कौन विनर है। इसके बाद फेंग वहाँ से प्रिंसेस के साथ अपनी सिटी के लिए निकल जाता है। तभी हम वहाँ पर चैंगसी और ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन चैंगसी से पूछता है कि क्या आप भी उनके साथ यहाँ से जाने वाले हैं? तो चैंगसी बोलता है कि मुझे इनके लिए अपने फैमिली बैकग्राउंड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक आवारा कुत्तों का झुंड है जिसे मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स मिलकर ब्लैक चिट वॉल से फैन की लिखी हुई पोयम को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।